आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। पीएम मोदी आज जाएंगे गोवा, लिबरेशन डे पर आयोजित कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। देशों में बढ़ी ओमिक्रॉन की आफत, अब तक 145 केस दर्ज। किदाबी श्रीकांत ने रचा इतिहास, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचे पहले भारतीय। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में लश्कर का एक आतंकी ढेर। यूपी में बीजेपी आज से शुरू करेगी जन विश्वास यात्रा, अंबेडकर नगर में नड्डा और मथुरा में योगी करेंगे यात्रा का आगाज। नमस्कार, मैं हूं मनीष भदौरिया और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर गोरखपुर से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर के नए साल की सौगात देंगे। वहीं गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से महंत दिग्विजय नाथ पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। खबर हरदोई से है, जहां पर सांगली बसपा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। वहीं सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि इन 5 सालों में सिर्फ वादे ही किए गए हैं। इसके अलावा मनीषा पे जो अत्याचार हुए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। कानून व्यवस्था सुधारनी है तो संकल्प लें, इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया जाए। मथुरा दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। खास बात यह है कि आज सीएम योगी का मथुरा में 19वां दौरा है, जहां आज सीएम योगी भाजपा की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसको लेकर वाहनों और कई रास्तों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां एसपी ने की हैं। दिनांक 19/12 को माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद भ्रमण के कार्यक्रम के दृष्टिगत शहर की यातायात व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया है। इसके तहत एक्सप्रेस वे से जो वाहन वृंदावन की तरफ आया वृंदावन कट आते थे, वो सब भारी वाहन बंद रहेंगे। कल वो सभी वाहन राया कट से गोकुल बैराज होते हुए अपने गंतव्य की तरफ जाएंगे। इसी तरह छट्टीकरा से वृंदावन की तरफ किसी भी भारी वाहन के जाने की अनुमति नहीं होगी। ये सभी वाहन टाउनशिप होते हुए गोकुल बैराज होते हुए अपने गंतव्य की तरफ जाएंगे। कोसी छाता की तरफ से जिन भारी वाहनों को एक्सप्रेस वे पर जाना है, वे सभी वाहन शेरगढ़ होते हुए अपने एक्सप्रेस वे की तरफ जाएंगे। भूतेश्वर चौराहे से आगे जन्मभूमि की तरफ किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सभी वाहन गोवर्धन चौराहा और स्टेट बैंक चौराहे की तरफ जाएंगे। संबल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क ने महिलाओं का विवाह उम्र को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने सांसद खिलाफ जमकर नारे लगाए। नारे लगाते हुए सपा से ठोस कदम उठाने की मांग की। वहीं भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष पूनम सिरोही के नेतृत्व में महिलाओं ने डॉक्टर बर के पुतले भी फूके। छावनी में तब्दील संभल पुलिस ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। ये डॉक्टर बर्क ने एक महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए मैंने बयान दिया है। मैं डॉक्टर बर्क को ये चेतावनी देना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ, उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि वो डॉक्टर बर्क केवल और केवल मुसलमान होने के नाते मुसलमानों को लड़ाने में काम करते हैं, केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। और उन्होंने जो बहनों को, देश की बेटियों की जो उम्र 21 वर्ष शादी की है, उस पर जो अभद्र टिप्पणी की है वो बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही खराब टिप्पणी की है। डॉक्टर बर्क पूरी तरीके से संज्ञाहीन हो चुके हैं, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और अब मैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो बहनों की शिक्षा के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए जो कानून बनाया है, जो उम्र उनकी 21 वर्ष की है, उसका बहुत ही सराहनीय और बहुत प्रशंसनीय निर्णय है। लेकिन डॉक्टर बर्क ने उस निर्णय को एक्सेप्ट ना करके और महिलाओं की उसी अभद्र ज्ञापन किया है। ये सांसद जी हैं डॉक्टर बर्क जी, इन्होंने जो
एक तालिबानी के स्टेटमेंट दिया है, महिलाओं की सोच जो इनकी शुरू से ही रही है और आज भी उनकी वही मानसिकता और इनकी सोच इतनी ख़राब रही है, उस संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिया है। और ये हमने केंद्र सरकार से भी ये कहा है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और भविष्य में अगर इस तरीके के स्टेटमेंट जाता है तो महिला मोर्चा तो कभी भी शांत रहने वाली भी नहीं। बांदा में संकट मोचन के पास एक ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मणों ने गौ रक्षा का संकल्प लिया और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मणों ने बैठक करके 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी को सौंपा, जिसमें ब्राह्मणों ने प्रियंका गांधी से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र में उनके मुद्दे को शामिल किया जाए। आज ये कार्यक्रम ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, आज इसको मेन उद्देश्य ये था कि हमारा आप देख रहे हैं कि इस समय हर दल के लोग, हर पार्टी के लोग, कोई विप्र सम्मेलन कर रहा है, कोई भाईचारा सम्मेलन कर रहा है, जब चुनाव आते हैं तभी ब्राह्मणों की याद आती है। आज ब्राह्मण एक साथ बैठ करके इस बात का चिंतन कर रहा है कि हमारे हित की कौन सी पार्टी बात करेगी। जो पार्टी सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री दिया है, आज तक किसी ने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है नरेंद्र तिवारी के बाद, तो हम लोगों का एक चिंतन है कि बैठ करके एक पंचायत टाइप हो रही है कि हमें उसी का सपोर्ट करना है जो ब्राह्मणों को महत्व दे। अभी आपने देखा कि अभी अमन हत्याकांड हुआ, उस पर कोई भी चाहे सत्ता वाली पार्टी हो, आपने देखा कोई उसके साथ। खबर चंदौली से, जहां सदर तहसील के बिदगा ग्राम सभा में कोटेदार ने कम राशन देने का मामला सामने आया है, जिससे लेकर सैकड़ों ग्रामीणों में कोटेदार के खिलाफ कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देकर कोटेदार के खिलाफ जांच करके कार्रवाई की मांग की, और ग्रामीणों ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अफसरों ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीण उनका बड़ा आंदोलन करेंगे। यह के मान के राशन नहीं मिलत बा दू महीना क, न चीनी मिलत है न दाल मिलत है। कोटेदार क्या कह रहे हैं? कोटेदार यह जवाब देना काल परसों दिना कि जन मन कर तेवन कल आ जा, हम ऐसे ही करब, ले ला जा नहीं मत ला जा, दू महीना का गाय। हाथरस के कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के कस्बा मेड की रहने वाली 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ करीब 3 महीने पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। न्यायालय में पुलिस के फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयान के बाद आरोपी को फांसी की सजा दी गई है। जनपद हाथरस पुलिस की त्वरित कार्रवाई एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित करने से तथा मिशन शक्ति के अंतर्गत हाथरस पुलिस एवं अभियोजन की सशक्त पैरवी के कारण करीब 3.5 माह पूर्व एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ हुए रेप व हत्या के मामले में आरोपी को घटना के मात्र 3.5 महीने के भीतर माननीय न्यायालय द्वारा। खबर से है, जहां चिकासी थाना क्षेत्र के टोला खंगारन गांव में खेत में सिंचाई करते समय अचानक एक बुजुर्ग को ठंड लगने से उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसकी सूचना पड़ोसी खेत में काम कर रहे किसानों ने परिजनों को दी। सूचना पाते ही उनके परिजन CSC के ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद किसान को गंभीर हालत में रेफर करा, जहां रास्ते में बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। खबर अयोध्या से है, जहां पर आदर्श प्रेस क्लब के संरक्षक अंबिका मिश्रा प्रतिनिधि दैनिक जागरण के दैनिक हिंदी समाचार पत्र की ओर से एक विज्ञापन दिया गया। इस दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकार की मौजूदगी में क्षेत्राधिकार बीकापुर और ज्ञापन देते हुए यह अल्टीमेटम दिया गया कि अगर बीकापुर पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को नहीं पकड़ा तो पत्रकार संगठन के सम्मानित पदाधिकारी सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और इसके लिए बात रहेंगे। आज यहाँ प्रेस क्लब में श्री राघवेंद्र मिश्र के प्रकरण को लेकर के जो बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि इनके प्रकरण में अभी तक पुलिस ने जो शिथिलता बरती, प्रथम दृष्टया COB का प्रकरण एक ज्ञापन दिया जाए और उनको एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर में यदि वो इनकी घटना का पर्दाफाश नहीं करते तो हम पत्रकार साथी एक पहले सांकेतिक रूप में फिर इसके बाद बृहत रूप में आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होंगे, जिसके लिए अभी हम लोग COB का पूर्व महोदय को ज्ञापन देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि उसका पर्दाफाश। कोतवाली बीकापुर में एक मुकदमा कायम हुआ है
624/21 जिसके वादी राघवेंद्र मिश्र जो एक स्थानीय पत्रकार हैं उनके साथ एक घटना हुई थी, उसका उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया था। पुलिस इस मामले की गहन विवेचना कर रही है, जिसमें जो भी अज्ञात आरोपी हैं मामले का अनावरण करने के लिए, उसका खुलासा करने के लिए, आरोपियों की पहचान करने के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं, लगातार इस पर वर्क कर रही हैं। कई संदिग्धों से पूछताछ चल रही है, साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ा रही है। जल्द ही फिरोजाबाद के थाना उत्तर के कौशल्या नगर क्षेत्र में एक युवती कामनी की बारात आने से पहले ही उसे घर वालों को नशीली चाय पिलाई और आभूषण समेत नकदी लेकर फरार हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और चाय पीने से बेहोश हुए 6 लोगों का इलाज किया जा रहा है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की ब्लॉक प्रमुख प्रिया यादव पिता विजय यादव को इस समय नसीरपुर के प्रधान भी हैं, जिसका एक शादी समारोह में डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कार्यक्रम में मौजूद लोग विजय यादव के डांस का बड़े पैमाने पर आनंद उठा रहे हैं और ये डांस लोगों की जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना भीरा पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। खबर औरैया से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल ने बताया कि जनपद में वांछित चल रहे 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो अन्य लोग वांछित चल रहे हैं उनको भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज जनपद में वांछित चल रहे अपराधियों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक चलाया गया था और उस धरपकड़ के दौरान जनपद के विभिन्न थानों से 13 वांछित और वारंटी पकड़े गए और जिनको अग्रिम कार्रवाई हेतु विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस अभियान से अपराधियों के हौसले जो है पस्त हुए हैं और निकट भविष्य में जो भी वारंटी और जो वांछित अपराधी हैं उनके भी अभियान चला करके उनके खिलाफ भी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।